गेहूं में दोस्तों टिलरिंग बढ़ाने के लिए चार आपको ऐसे खाद के बारे में बताने वाला हूं जिसका आप इस्तेमाल करके गारंटी है कि आपके टिलरिंग 101% बढ़ेगी। अगर नहीं बढ़ता है दोस्तों तो आप चैनल को चाहे तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये दोस्तों वीडियो पूरी तरह से हमने रिसर्च करके बनाया है और जितने भी किसानों की फीडबैक है उसके आधार पर ये पूरी वीडियो बनी है। तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और डिटेल में हम लोग पूरी बात करेंगे कि टिलरिंग बढ़ाने के लिए चार ऐसे कौन से घरेलू खाद है, जिसमें हमने दो घरेलू खाद भी यूज़ किया है, जिसको आप इस्तेमाल करके दोस्तों आप अपने गेहूं की पूरी तरह से टिलरिंग बढ़ा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि जितनी अच्छी टिलरिंग आपकी होगी उतना अच्छा आपके पौधे का गेहूं का बढ़वार होगा और उतना अच्छा आपका उत्पादन होगा। और उत्पादन होगा तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों आपका जो पैसे और जो मुनाफे होंगे वो बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो मैं हूं दोस्तों आपका किसान मित्र अनुप धवन और आप देख रहे हैं हेलो फार्मर यूट्यूब चैनल। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये जितने भी खाद आपको दोस्तों बताने वाला हूं मात्र 10 से 15 दिन के भीतर आपके खेतों में गजब का आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो आपको चीज लेना है वो आपको खली लेना है। अब दोस्तों खली आपकी दो तरह की आपके यहाँ देखने को मिलती होगी, पहला तो नीम की खली आपको देखने को मिलती है, दूसरा सरसों की खली। तो इन दोनों खली में से आपको किसी भी एक खली का चुनाव कर लेना है। आपके आसपास अगर आप गांव से रहने वाले तो जरूर आपको आसानी से खली मिल जाएगा, क्योंकि सरसों जहाँ भी पेरा जाता है, जहाँ भी सरसों का तेल निकाला जाता है वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा। जो मात्रा रहेगी दोस्तों वो 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। मात्रा थोड़ी कम है क्योंकि और भी हमको इसमें चीज़ें मिलानी है, उस हिसाब से हमको सारी चीज़ें लेके चलनी है। तो 5 किलोग्राम हमने नीम की या फिर सरसों की खली ले ली। अगर आप चाहें तो इसको आप तोड़ के एक साथ मिला के भी छींट सकते हैं, या फिर चाहें तो इसको आप अलग से भी दे सकते हैं। यानी कि अलग से जो देंगे क्या करेंगे, इसको आप भुरभुरी बना ले या फिर 24 घंटे पानी में इसको भिंगो के रख सकते हैं। भिंगो के रखने के बाद 24 घंटे के बाद आप जो आपका जो इरिगेशन चैनल होगा जहां से भी आप सिंचाई करते हैं अपने गेहूं के खेत का, वहां आपको भिंगोया हुआ जो नीम की खली या फिर सरसों की खली होगी उस चैनल पर रख देना है, जिससे कि आपके पूरे खेत में एक बराबर ये इरिगेशन के माध्यम से पहुँच जाएगा। अगर इस ये तरीका आप नहीं अपना चाहे तो दूसरा तरीका है, इसको आप सूखे तौर पर रख दें और इसको कूट के बराबर कर लें। अब दोस्तों जो दूसरा चीज़ आएगा वो आएगा यूरिया। यूरिया आपको मिलाना है। यूरिया की जो मात्रा रहेगा आप 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया ले लेना है और सरसों की खली या फिर नीम की खली के साथ आपको अच्छे से मिला लेना है। अब लोगों का सवाल रहेगा कि सर हम जब सरसों की खली और नीम की खली, सरसों की खली और यूरिया को एक साथ मिलाएंगे तो हमारा जो सरसों है, सरसों का खली है वो नीचे रह जाएगा और यूरिया है वो ऊपर रह जाएगा। तो इस केस में दोस्तों आपको क्या करना है, थोड़े से उसमें पानी डाल देना है और उसको एक साथ मिला देना है। इससे क्या होगा, आपकी नीम की खली के साथ यूरिया अच्छे से चिपक जाएगा। जो तीसरा अब आपको चीज़ लेना है दोस्तों वो आपको लेना है ह्यूमिक एसिड। अब ह्यूमिक एसिड दोस्तों आपको 98% वाला मिल जाएगा, जो कि 500 ग्राम आपको प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेना है ह्यूमिक एसिड, और इसको भी आपको अच्छे से मिला देना है। अब जो हमारा आखिरी खाद रहेगा दोस्तों वो जिंक सल्फेट रहेगा। जिंक सल्फेट का दोस्तों जो मात्रा लेना है वो करीब आपको 5 से 6 किलोग्राम आपको जिंक सल्फेट 21 या 22% वाला आपको ले लेना है। इन सारे चारों खादों को एक साथ मिला देना दोस्तों। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जितने भी चारों खादों को मैंने आपको बताए हैं, ये चारों खाद जितनी मात्रा है मात्र दोस्तों आपको 1000 रुपये में चारों खाद भी मिल जाएंगे और आपके खेतों में आप इसका छिड़काव करके पूरी तरह से अपने टिलरिंग उसका ग्रोथ एक नंबर आप बढ़ा सकते हैं दोस्तों। अब आपको क्या करना है, इन चारों खादों को एक साथ मिला के दोस्तों सिंचाई करने से पहले आपको अपने पूरी खेतों में छींट देना है। छींटने के बाद दोस्तों इरिगेशन कर देना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इरिगेशन करने के बाद आपको 10 से 15 दिन बाद आपकी फसलों में अगर रिजल्ट आपको ना देखने को मिले दोस्तों तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि रिजल्ट नहीं मिला तो फिर उसका और कोई सलूशन बताएगा। लेकिन दोस्तों ये हमारा पक्का दावा है कि अगर 10 से 15 दिन के भीतर आपको जरूर है कि दोस्तों रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे ही गेहूं से जुड़ी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।